हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों को क्या करना है जिन्हें अभी सीट अलॉट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने रख लेने हैं। सबसे पहले जो आपका ऑफर लेटर होगा और सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड चाहिए आपको। और जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का भी आप रख लेना, क्योंकि हमेशा सेफर साइड में चलना सही रहता है, ठीक है। और टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब जिस पे आपका बर्थ डेट लिखी हो, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ स्टेटेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन पासिंग ट्वेल्थ एंड उसकी मार्कशीट भी, और आपकी बर्थ डेट, मतलब जो आपका बोर्ड लाइक आपके जो भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है उन पे लिखा हुआ रहता है, और आपका ट्वेल्थ की पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट चाहिए। और आपका ये है कि आपके नंबर कितने होने चाहिए। उसके बाद जो आपके कैटेगरी वाले हैं, मतलब उनको क्या क्या चाहिए, OBC ST EWS को चाहिए सेंट्रल का, ठीक है। शुड बी इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फॉर एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट, द सब कास्ट शुड टैली विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों को क्या करना है जिनको ये सीट नहीं लेनी, जिन्हें दूसरी सीट लेना चाहते हैं। तो आप क्या करें, आप सिंपली वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो एक्सेप्ट का, एक एक्सेप्ट एंड गो फॉर सेकेंड राउंड का। तो आप उस पर क्लिक करके आप कर कह सकते हैं आपको जो एम्स अभी अलॉट हुआ है वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। एंड देन आपको अगर नेक्स्ट एम्स अलॉट होता है तो वहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओनली एडमिशन के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाई हो जाएंगे होंगे आप जब पहले वाले एम्स पे जाएंगे। तो उसके बाद जिन बच्चों को डाउट है कि अगर हम बीच में से आपका कोर्स छोड़ देते हैं नर्सिंग का तो आपको क्या पेनल्टी पड़ती है, तो मोस्टली आपको 1 लाख की पेनल्टी पड़ती है अगर आप BSc नर्सिंग को छोड़ते हैं। पैरामेडिकल को छोड़ने वालों को आपको 5,000 की पेनल्टी पड़ती है। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड होता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड गैप सर्टिफिकेट के लिए बनवाना है, मोस्टली एम्स ऋषिकेश में आपका गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कहाँ, एम्स ऋषिकेश में। तो जिनको एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ है वो गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके लिए एक चैनल पे वीडियो भी है, आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हो HDM से और ऑनलाइन भी आप बना सकते हो। कैसे, ई ड्राफ्टर करके एक ऐप होता है, ऐप नहीं एक वेबसाइट है, ई ड्राफ्टर। कोई प्रमोशन नहीं है ये, बट अगर आपको बनवाना है जल्दी तो आप ऐसे बनवा सकते हैं, वरना अगर आप HDM से बनवाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ई ड्राफ्टर से भी सही आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। उसमें आपको वो ईयर डालना है जिस ईयर में आपने कोई क्लासेस नहीं ली, लाइक आप 2021 के थे तो आप क्या डालोगे, 2021 to 2022 के सेशन में आपने गैप लिया था, ठीक है।